हेलो माय डियर रूटेड नोमैड्स, आज तो संडे है, ऑफिस से छुट्टी ही होगा, सो व्हाई डोंट यू पीपल कम अलोंग विद अस। आज हम जा रहे हैं फ्रॉम लेह टू नुब्रा वैली। हम क्रॉस करेंगे वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास विच इज द खरदुंगला पास और हम जाएंगे टू सुमुर वैली एज वेल विच इज एन ऑफ बी डेस्टिनेशन। लेट्स गो। ये इंडियन आर्मी के व्हीकल्स आ रहे हैं फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे थोड़े रुक गए हैं सो दैट दे कैन पास। यहाँ के रोड्स बहुत नैरो है। द रोड्स इन लद्दाख आर वेरी नैरो एंड देयर आर सो मेनी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड इट्स वेरी रिस्की, तो इसीलिए जब भी दूसरे साइड से कोई व्हीकल आ रहा है तो हम लोगों को थोड़ा सा रुक के साइड देना पड़ रहा है। इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ताकि सब सेफली पहुंच पाए। लुक एट दिस ब्यूटिफुल ग्रीन विलेज। मुझे ना लद्दाख की ये खूबसूरती बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स सो वेरी डिफरेंट। आसपास पूरे बैरन माउंटेन्स और बीच में छोटे छोटे पैकेट्स जैसे खूबसूरत खूबसूरत वैलीज एंड विलेजेस। एक बार पहाड़ों से घूम के आओ तब समझ में आएगा कि हाउ इनसिग्निफिकेंट आवर प्रॉब्लम्स आर व्हेन कंपेयर टू दिस ह्यूज वर्ल्ड। और कुछ ऐसा ही फीलिंग मुझे अभी लद्दाख में ट्रैवल करते हुए हो रहा है। दीज माउंटेन रेंजेस आर सो सो मैजेस्टिक। दिस इज एन एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड। आज हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स नुब्रा और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट पे हम रुके हैं। यहाँ के नज़ारे तो बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ पहाड़ और बहुत ऊपर आ गए हम लेह से। अभी कितने हैं? 15,000 ऑलमोस्ट। 15,000 और यहाँ फील हो रहा है कि थोड़ा ठंडा भी बढ़ रहा है, लेह से काफी ठंडा है यहाँ। ऑक्सीजन फील हो रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा। आपको अस्थमा है? आपको अस्थमा है? नहीं, अस्थमा नहीं। आप चेन स्मोकर हैं? अस्थमा पीपल प्लीज बी वेरी लाइक इंस्ट्रक्टेड बाय द डॉक्टर। आप स्मोक करते हैं? करते हैं। खरदुंगला पास इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द होल वर्ल्ड। इट्स ऑल्टीट्यूड इज अराउंड 18,379 फीट। यहाँ पहुँचने का सबका एक सपना होता है एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू सी द एक्साइटमेंट ऑफ द पीपल। हम लोग खरदुंगला पास पहुंच गए हैं और यहाँ की वीडियोस आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटमेंट है। ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है इन द वर्ल्ड और इसमें मेरे पीछे बस एक ग्लेशियर व्यू है। आप देख सकते कितना सुंदर है। तो यहाँ ऑक्सीजन अगर थोड़ा कम है तो थोड़ा सांस लेने में तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा वॉक करने में थोड़ा सांस फुल जा रहा है, बट इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। Oh my God, look at the crowd there. यहाँ तो लग रहा है लाइन लगा के सब फोटो खींच रहे हैं। So we have to go and stand in the queue now. After standing in the queue and wrestling through the crowd, हमने ये फोटो खींचा। Since this place is at a very high altitude, यहाँ के ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम है एंड दिस आई कैन सीरियसली फील।
आई एम गेटिंग स्लाइट हेडेक एंड मुझे थोड़ा सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा है, लाइक आई एम फीलिंग अ लिटिल ब्रेथलेस। यहाँ ऊपर में एक गोंडपा है, खटूला गोंडपा, बट यहाँ पे सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। अभी ऑक्सीमीटर से चेक किया तो मेरी ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है, 70 जबकि 98 होना चाहिए एज पर द इंस्ट्रक्शन बोर्ड हियर, तो हम नहीं चल पाएंगे, तो अभी वापस जा रहे हैं। अभी हम लोग खटूला पास से निकल रहे हैं। खटूला पास इज द गेट वे टू द न्यूब्रा वैली एंड द सहयोग विलेजेस। अभी यहाँ की ऑल्टीट्यूड फिर से कम होती जाएगी एंड द ऑक्सीजन लेवल्स विल अगेन बिकम बेटर। लुक एट द एक्साइटमेंट ऑफ द पीपल प्लेइंग इन द स्नो। हम भी उतरेंगे लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे लेस क्राउडेड होगा। हमें जगह मिल गई है एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंजॉय इन द स्नो। गाड़ी थोड़ी सी चली ही थी कि हमने फिर से रुकवा दिया बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होता था। अच्छा, तो दलाई लामा आगे पूजा किया, हवन किया, उसके बाद फिर एक्सीडेंट कम हो गया। भागो फिर याक के पीछे। वाह, अभी हम फिर से रुक गए टू टेक अ याक ब्रेक। हमें दूर से दिखा ग्रीन पास्चर्स में याक घूम रहे एंड दैट वाज सो लवली, तो हम उतर गए। दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल, इफ दिस इज नॉट हेवन वेयर वुड इट बी देन। लद्दाख के बहुत सारी फोटोज़ देखती थी पहले एंड आई यूज़ टू ड्रीम ऑफ कमिंग हियर। अभी जब सच में मैं सामने से देख रही हूँ ना इतनी खूबसूरत माउंटेन व्यूज़, पता नहीं, मतलब आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग, अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। दिस प्लेस इज़ नोन एज खालसर। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे शॉप्स है वेयर यू कैन हैव सम स्नैक्स एंड यहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटीज़ है। वॉशरूम बहुत खास नहीं है बट या इट्स ओके फाइन। व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग कैरी अ पी सेफ, दैट्स ऑल आई कैन से। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स सुमुर वैली। दिस प्लेस इज अ वेरी ऑफ बीट डेस्टिनेशन क्योंकि इस रास्ते में आते ही देर आर नो टूरिस्ट व्हीकल्स एट ऑल। लग रहा है पूरी जमीन, आसमां, पहाड़ सब कुछ सिर्फ हमारे है। अभी हम फिर रुक गए हैं। आई थिंक हम लोग कभी टाइम पे नहीं पहुंचेंगे बिकॉज लद्दाख में इतने सुंदर सुंदर जगह है कि यू जस्ट कैन नॉट मूव विदाउट स्टॉपिंग एट एवरी प्लेस। दिस इज अ डोंकी ब्रेक।
Let me try and win their trust. वाओ, ये तो फोटो खिंचाने के लिए बिल्कुल पास आ गए। ये हसीन वादिया ये खुलासमां आ गए हम कहां ऐ मेरे साजना। और हम आ गए हैं सुमुर वैली। पनामिक हॉट स्प्रिंग्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू द नुब्रा वैली और ये लेह से अबाउट 150 किलोमीटर्स की दूरी पे है। इट्स अ वेरी स्मॉल विलेज और यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स है जो लोग यहाँ पे देखने आते हैं। सो वी हैव अराइव्ड एट द पनामिक हॉट स्प्रिंग और यहाँ पे एक छोटा सा कैफे भी है। तो पहले हम जाएंगे हॉट स्प्रिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद आके हम यहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स या चाय समथिंग व्हाटएवर इज अवेलेबल वो हम खाएंगे। थोड़ा सा ऊपर में है। चलो, दीज वॉटर्स आर सेड टू हैव हाई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड टेकिंग अ डिप इन दिस वॉटर इज say to cure diseases like rheumatism and other skin ailments. अब तो ऊपर आ गए और यहाँ से ये hot spring का पानी जा रहा है। पूरा पत्थर सब येलो हो गया है because of the sulfur content in the water. And water का temperature ज़्यादा नहीं है। मतलब ज़्यादा मतलब not boiling है। नीचे वैसे वॉशरूम की फैसिलिटीज है जहाँ थोड़ा टेम्परेचर मिला के कम किया गया है। सो इफ यू वांट टू टेक अ बाथ यू कैन यूज द वॉशरूम। बटर टी मुझे ये पीने का बहुत शौक था। लद्दाख की ये बहुत एक स्पेशल चाय है नोन एज गुरगुर चाय इन लद्दाख की और ये मुझे मिल गया यहाँ पे। आई एम वेरी 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 हैप्पी। ऐसी चाय तो मैं पहली बार पी रही हूँ। मतलब देयर इज नो सॉल्ट देयर इज नो शुगर सॉरी और इसमें सिर्फ सॉल्ट है। ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन लद्दाख में आके मैंने बुक्स में पढ़ा था कि ये उनकी एक बहुत ही कॉमन हैबिट होता है जो पूरे दिन में वो लोग पीते रहते हैं। दिस गिव्स देम एनर्जी। पर की 2 बज रहा है एंड इट इज वेरी हॉट। मुझे तो हेडेक हो रहा है ड्यू टू दिस इंटेंस हीट। पैरासिटामोल खाऊंगी तो प्रोबेबली ठीक हो जाएगा। अभी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नुब्रा वैली जो हम शाम तक ही पहुंचेंगे ड्यूरिंग द सनसेट। सो we will take you to the Nubra Valley along with us in the next episode. If you loved watching this video, if you have loved traveling with us, please like, share and subscribe. Thanks for watching. Bye-bye.